तो स्टूडेंट्स कल हम लोगों ने साझेदारों का पूंजी खाता और साझेदारों का चालू खाता बनाना देखा था। एक बार फटाफट से रिव्यू ले लेते हैं। तो हमने कहा था कि पूंजी खाता बनाने की दो विधियां, एक है स्थिर विधि और एक है परिवर्तनशील विधि। स्थिर विधि में दो खाते बनाते हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और एक पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाते हैं। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में स्थिर विधि में सिर्फ पूंजी लगाने और पूंजी निकालने का लेखा होता है। तो बैलेंस लिखने के बाद पूंजी अगर लगाई जाए तो हम लोग बाई कैश लिखेंगे, निकाली जाए तो टू कैश लिखकर बैलेंस निकाल देंगे। करंट अकाउंट में बैलेंस लिखेंगे जो सीआरडीआर दोनों तरफ हो सकता है। क्वेश्चन में लिखा होगा किस तरफ लिखना है। तीन चीजें सीआर में और दो चीजें डीआर में याद रख लो। सीआर में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन, डीआर में हम लोग ड्रॉइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिखेंगे। फिर लाभ और हानि का हिस्सा, लाभ का हिस्सा बाई पी एंडल अप्रोप्रिएशन के नाम से, हानि का हिस्सा टू पी एंडल अप्रोप्रिएशन के नाम से लिखेंगे और अंत में बैलेंस निकाल देंगे। अगर परिवर्तनशील विधि लेते हैं तो दो ना बनकर एक ही खाते बनेंगे, सारी चीजें इसी में आएंगी। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लोग सबसे पहले तो बैलेंस लिखेंगे, फिर हम लोगों के लिए अगर पूंजी लगाई जाए तो बाई कैश, निकाली जाए तो हम लोग टू कैश लिख देंगे। फिर वही तीन चीजें सीआर में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, दो चीजें डीआर में ड्रॉइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, और फिर लाभ हानि का हिस्सा बाई पी एंडल अप्रोवेशन और टू पी एंडल अप्रोवेशन हम लोग लिखकर अंतर निकाल देंगे। एक थ्योरी क्वेश्चन ध्यान रखना, ये आपका स्थिर विधि और परिवर्तनशील विधि का था। अब अगर आपको याद आए ना तो सर ने एक बात कही थी बेटा कि हम लोगों को ना यहाँ पर देखो कितना कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं, सारा थ्योरी में करवा चुका हूँ आपको, ये सारी गणनाएं हो चुकी हैं, पूंजी खाता चालू खाता पढ़ चुके हैं, सिर्फ हमें लाभ हानि नियोजन खाता और जनरल प्रविष्टियाँ और पढ़नी है और फिर हम लोगों के लिए बड़े बड़े क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। तो आज हम लोग रीड करेंगे लाभ हानि नियोजन खाता। अब ये लाभ हानि नियोजन खाता क्या होता है उसको थोड़ा सा डिटेल से आज समझ लें। हर क्वेश्चन में ये लगभग हमें बनाना पड़ेगा। देखो क्या होता है कि जब आपका एकांकी व्यापार होता है ना, एकांकी व्यापार मतलब बेटा एक ही व्यापारी होता है, तो आप लोग क्या करते हो कि वर्ष के अंत में आप ट्रेडिंग बनाते हो, पी एंड एल बनाते हो, और ट्रेडिंग इस पी एंड एल से जितना भी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आता है उससे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को हम लोग बैलेंस शीट में शो कर देते हैं और उसे ही हम लोग बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड कर देते हैं नेट प्रॉफिट को, और लेस कर देते हैं हम लोग नेट लॉस को। ये हमारे लिए एकांकी व्यापार में ट्रेडिंग पी एंड एल के बाद ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए होता है कि बैलेंस शीट में नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को ऐड कर देते हैं। यहाँ क्या होता है, अच्छा एक थोड़ा सा बड़ा प्रोसेस में थोड़ा सा आपको समझा दूं एकांकी व्यापार और यहाँ क्या फर्क पड़ता है साझेदारी में। आपको याद है अपन ने 11th में भी कहा था कि सबसे पहले ना अकाउंटिंग करने के लिए हमारे पास व्यवहार होता है। जैसे ही व्यवहार होता है उस व्यवहार का लेखा हम लोग या तो जर्नल में करते हैं या सहायक भैयों में हम लोग उसका लेखा करते हैं। जर्नल या सहायक भैया जैसे कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक वगैरह में लेखा करने के बाद हम लोग खाता बही में खतौनी करते हैं। खाता बही में खतौनी करने के बाद हम लोग बेटा यहाँ पर तलपट बनाते हैं, और तलपट बनाने के बाद वर्ष के अंत में हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, पी एंड एल अकाउंट बनाते हैं, और उसके बाद हम लोग बैलेंस शीट बना लेते हैं। जो भी लाभ हानि हुआ है वो इसी बैलेंस शीट में हम लोग एडलेस कर देते हैं कैपिटल में। यहाँ क्या होता है कि साझेदारी में भी जो भी व्यवहार होगा जर्नल या साहेब बही में लिखा जाता है, खाता बही बनाई जाती है, तलपड़ बनाई जाती है, और उसके बाद वर्ष के अंत में ना यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ भी वैसे ही बनता है जैसा बनाया जाता है, पी एंड एल अकाउंट भी वैसे ही बनता है जैसा बनाया जाता है। अब यहाँ जो पी एंड एल अकाउंट से नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हमारे लिए आया है, ये नेट प्रॉफिट और नेट लॉस सीधा साझेदारों में बांटना पड़ता है, और साझेदारों में बांटने के लिए हम एक पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो बेसिकली पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट सर क्यों बनाते हैं, तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन लाभों को जो नेट प्रॉफिट नेट लॉस कौन से अकाउंट से आया हमारे लिए, पी एंड एल अकाउंट से, उन लाभों को साझेदारों में बांटने के लिए। हम लोग एक अकाउंट बनाते हैं जिसे हम लोग पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कहेंगे। उसके बाद साझेदारों के पूंजी खाते बनाए जाते हैं जो हमने कल पढ़ा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
जिससे साइडरों के पूंजी खाते का शेष पता चलता है कि हमारे पूंजी खाते का अंतिम शेष कितना है, वो हमें पता चलता है। और जब ये पता चल जाए तो उसके बाद हम लोग अंत में बैलेंस शीट बनाते हैं। ये टेक्निकल अकाउंटिंग होती है आप लोगों के लिए साहेदारी में। अब देखो व्यवहार वो क्यों ही जो 11th में करा जनरल साहेब भैया वैसे ही बनती है, खाता भाई वैसे ही बनती है, तलपड़ वैसे ही बनती है, ट्रेडिंग अकाउंट हमारे लिए वैसे ही बनता है, P&L वैसे ही बनता है, इसलिए ये आपको वापस इस साल नहीं सिखाया जाएगा, ये तो बन गए। हमें ना क्वेश्चन में सीधा ही नेट प्रॉफिट और नेट लॉस दे रखा होगा, क्वेश्चन देगा कि शुद्ध लाभ इतना है या शुद्ध हानि इतनी है, नेट प्रॉफिट नेट लॉस दे रखा है, इसका मतलब ये तो सब सोल्व हो रखा है ना, मतलब क्वेश्चन ने खुद ही सोल्व कर रखा है यहाँ तक का सारा मैटर। तो हमें क्या करना है, उन लाभों को साझेदारों में बांटना है, पहले जो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस हमें दे रखा है उन्हें साझेदारों में बांटना है। और सर बांटने के लिए कौन सा अकाउंट बनाएंगे, तो सर हम लोग बांटने के लिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे साझेदारों को, लाभों को साझेदारों में बांटने के लिए। जब ये लाभ बांट देंगे ना बेटा, तो उसके बाद हमारे लिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनते हैं, पहले P&L अप्रोवेशन बनता है फिर पार्टनर कैपिटल बनता है। हाँ, हमने पढ़ते वक्त पहले पार्टनर कैपिटल पढ़ा है फिर P&L अप्रोवेशन पढ़ रहे हैं, पर क्वेश्चन करते वक्त ध्यान रखना पहले P&L अप्रोवेशन अकाउंट बनेगा फिर हमारे लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा। इस चैप्टर में सिर्फ ये दो ही बनाने रहेंगे और आगे वाले चैप्टर में हमें बैलेंस शीटें भी बनानी पड़ेगी, हालांकि बैलेंस शीटों में तो कोई खास इशू नहीं होगा, जैसा हम बनाते आ रहे हैं वैसे ही बनेगी। मेन हम लोगों के लिए दो ही तो नई चीजें हैं बेटा, एक है P&L अप्रोबेशन अकाउंट और एक है हमारे लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये हमें बनाना सीखना होता है। तो कल हमने पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाया था स्थिर विधि और परिवर्तनशील विधि से, बेसिक उसका मकसद हमारे लिए पूंजी खाते का अंतिम शेष निकालना होता है। और आज हम लोग यहाँ पर P&L अप्रोबेशन अकाउंट बनाना सीखेंगे। इसको बनाने का मकसद लाभों को साझेदारों में बांटने के लिए हम लोग बनाते हैं। और ये क्वेश्चन में दिए हुए नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो हमें दे रखा होता है उस नेट प्रॉफिट और नेट लॉस की सहायता से हम लोग यहाँ पर बनाते हैं। कैसे बनाया जाएगा उसको समझें बहुत अच्छे से, क्योंकि ये हर क्वेश्चन में हमें बनाना ही होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस, अप्रोप्रिएशन अकाउंट, फॉर द ईयर एंडेड जो भी वर्ष का अंत हो उसके लिए, DRCR, पर्टिकुलर अमाउंट P&L अप्रोविशन क्वेश्चन में दिए हुए शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि की सहायता से बनता है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में ये देखना पड़ेगा कि हमें शुद्ध लाभ कितना है या शुद्ध हानि हमारे लिए कितना है। अगर क्वेश्चन में हमें लाभ दे रखा, अगर क्वेश्चन में हम लोगों को लाभ दे रखा हो तो सबसे पहले लाभ प्रॉफिट CR में लिखोगे, लाभ P&L अकाउंट से आएगा, बाय P&L अकाउंट ये हमारा नेट प्रॉफिट होगा जो कि क्वेश्चन में, बाय P&L अकाउंट ये हमारा नेट प्रॉफिट होगा जो कि क्वेश्चन में दे रखा होगा। अगर नेट लॉस हो बाय चांस किसी एक आध क्वेश्चन में ही मिलेगा, लाभ है तो बाय P&L अकाउंट लिखना है बेटा, बाय चांस हमें हानि हो तो उसे टू P&L अकाउंट के नाम से लिखेंगे, टू P&L अकाउंट ये हमारा नेट लॉस होगा। पहला ही काम आपको यही करना है बेटा, क्वेश्चन में दिए हुए लाभ और हानि को लिखना है, लाभ हो तो CR में लिखोगे, हानि हो तो DR में लिखोगे। उसके बाद ध्यान देना थोड़ा सा, उसके बाद तीन चीजें जो आप कल कैपिटल अकाउंट के या करंट अकाउंट के CR में लिख रहे थे, तीन कौन कौन सी याद हो जानी चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन, वो कैपिटल के CR में आ रही थी तो उन्हें P&L अप्रोविशन के DR में हम लोग लिखेंगे, DR में हम लोग लिखेंगे। तो तीन चीजें जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
जो जो भी साझेदार है, जैसे ए का है तो ए का अमाउंट, बी का है तो बी का अमाउंट। सर अमाउंट कैसे निकालेंगे? जो सर ने पूंजी पर ब्याज की गणना गणना सिखाया था वहां से वर्किंग नोट बनाकर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, वो राशि यहाँ लिखेंगे। इसी तरीके से पार्टनर की जो सैलरी है, टू पार्टनर सैलरी, ई की सैलरी, बी की सैलरी, और इसी तरीके से पार्टनर का कमीशन, ए का और बी का, तो पार्टनर्स कमीशन हमारे लिए ए और बी का लिख देंगे। याद है ये तीनों चीजें कल हम लोग सीआर में लिख रहे थे, पीएनएल अप्रोबेशन में इसको डीआर में लिखना है, और बस ये पीएनएल अप्रोबेशन याद करना है, इनके अलावा और कोई चीजें आती नहीं पीएनएल अप्रोबेशन में बेटा। जो आज लिखा रहा हूँ ना, उन चीजों को ही याद करना है, ये सिलेक्टिव चीजें ही है जो हमारे लिए आएंगी। और दो चीजें हम डीआर में लिखते थे कल, ड्रॉइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, लेकिन ना ड्रॉइंग कभी भी पीएनएल में नहीं आता है बेटा। तो यहां सिर्फ एक ही चीज आएगी, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ए और बी का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम लोग लिख देंगे। देखो समझना ध्यान से अब आगे के कॉन्सेप्ट को, क्वेश्चन में देखो, जैसे मान लो लाभ दे रखा है, मान लो लाभ था हमारे लिए 1 लाख रुपए का, इस 1 लाख में से हमें साझेदारों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 20,000 का, तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। सैलरी देनी थी 10,000 की, तो सैलरी दे दी। 20,000 का हमें कमीशन देना था, कमीशन हम लोगों ने साझेदारों को दे दिया। 1 लाख प्रॉफिट हुआ था इन सबके पहले, जो जो साझेदारों को देना था ना उनसे पहले व्यवसाय जो करा ना हमने, 1 लाख में से ये 1 लाख का प्रॉफिट तो वो रहा ना जो लाभ हमने व्यवसाय करने से कमाया था, उसमें से हम लोगों ने साझेदारों को कुछ चीजें देनी थी, वो अपन पीएनएल अप्रोबेशन से देते हैं। तो हमने 20,000 का साझेदारों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, 10,000 की सैलरी दे दी, 20,000 का कमीशन दे दिया, और मान लो मुझे 10,000 रुपये साझेदारों से ब्याज लेना था आहरण पर। आहरण पर हमें ब्याज लेना होता है, इसलिए हमने इधर लिखा है सीआर में, हमें साझेदारों से आहरण पर ब्याज लेना था। तो हुआ क्या, 1,60,000, 1,10,000 इधर हो रहे हमारे लिए और उधर 50,000 हो रहे हैं। तो सर ना अब हमारे लिए सीआर ज्यादा बच रहा है, अब लाभ कितने का बचा सोचो जरा। सर 60,000 का लाभ बचा। अच्छा मेरी एक क्वेश्चन है, क्या ये 60,000 का लाभ सिर्फ ए का है, सिर्फ बी का है, या दोनों का है? याद करो पहली क्लास जब डेफिनेशन पढ़ी थी, जो भी लाभ या हानि यहाँ होता है वो सभी साझेदारों में उनके पूर्व निश्चित अनुपात में बांटा जाता है। लाभों का विभाजन आवश्यक है, संचालन आवश्यक नहीं है। ये लाभ बांटने पड़ेंगे हम लोगों को साझेदारों में, ये 60,000 के लाभ हम लोगों को ए और बी में बांटने पड़ेंगे। तो मान लीजिए ना दोनों का लाभ अनुपात बराबर बराबर है, तो 30,000 का लाभ हम लोग ए को दे देंगे, 30,000 का लाभ हम लोग बी को दे देंगे। 1 लाख नहीं बांटे, 1 लाख तो व्यवसायी के लाभ थे, मगर साझेदारों से भी कुछ लेना देना था, तो वो लेना देना करने के बाद 60,000 के लाभ बचे, ये 60,000 के लाभ हम लोग साझेदारों में बांटेंगे। लेकिन ऐसा हो सकता है कि हम लोग ना हमारे व्यवसाय के लिए सारे लाभ ना बांटकर कुछ हिस्सा हमारे पास रिजर्व के रूप में रखें। क्वेश्चन अगर कह दे कि 10,000 के लाभ हम लोग संचय के रूप में रखते हैं, तो हम क्या करेंगे कि 60,000 में से 10,000 अपने रिजर्व के रूप में रख लेंगे। रिजर्व का मतलब ये 10,000 हम भविष्य में कोई आकस्मिकता घटित हो तो उसके लिए थोड़ा पैसा अपने पास रखेंगे। तो अगर क्वेश्चन में रिजर्व भी हो तो हम लोग 2 रिजर्व बना देंगे, जो भी 10,000 का हम लोगों को बनाना था वो रिजर्व हम लोगों ने बना दिया। अब ये रिजर्व हम लोगों ने बना दिया तो अब हमारे पास जो लाभ बचेंगे वो सिर्फ 50,000 के लाभ ही हमारे पास बचेंगे। इन 50,000 के लाभों को हम लोग यहाँ पर साझेदारों में बांट देंगे। अब जब ये 50,000 के लाभ हमें साझेदारों में बांटने हैं, तो अब मैं बात को समझना, अंत में आपको क्या करना है कि पीएनएल अप्रोविजन का अंतर निकालना है। अब या तो सीआर ज्यादा आएगा या डीआर ज्यादा आएगा। अगर सीआर ज्यादा है तो अंतर की राशि को डीआर में लिखोगे, या तो टू पार्टनर्स कैपिटल के नाम से या फिर पार्टनर्स करंट के नाम से। कल अपने खाते बनाना सिखा था अगर याद आए तो।
अगर स्थिर विधि होती है तो यहाँ तो लाभों में हिस्सा हम लोग करंट अकाउंट में लिखते हैं, और अगर परिवर्तनशील विधि होती है तो सारी चीजें कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं। इसलिए मैं ऑब्लिक लगाकर लिख रहा हूँ, या तो करंट अकाउंट में या कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे, ये हमारे लिए लाभों में हिस्सा होगा। बैलेंसिंग फिगर से ये राशि निकल कर आएगी, अनुपातों के रूप में इसको हम लोग बांट देंगे। ऐसा भी हो सकता है बेटा कि सी आर ज्यादा ना होकर डी आर ज्यादा हो, तो सोचो जरा अगर डी आर ज्यादा हो तो अंतर की राशि को कहाँ लिखोगे? सर अंतर की राशि को हम लोग सी आर में लिखेंगे बाय वही, या तो पार्टनर्स कैपिटल के नाम से या पार्टनर्स करंट के नाम से। ये हमारे लिए हानि में हिस्सा कहलाएगा, वही बैलेंसिंग फिगर से अंतर की राशि से आएगा। ये तब आएगा जब हमारे लिए डी आर अधिक हो। ये मैं क्रॉस लगा रहा हूं ना यहां पर, ये ऐसा, इसका रीजन ये कि ये या तो इधर होगा या इधर होगा, दोनों साइड नहीं होगा। सी आर अधिक हो तो इधर लिखेंगे, डी आर अधिक हो तो उधर लिखेंगे, और उसके बाद हम लोग टोटल लगा देंगे, दोनों साइड की टोटल हमारे लिए सेम आ जाएगी। बस इससे एक रत्ती भी कोई नई चीज लिखने को नहीं मिलेगी, ये पक्का है, ये गिनी चुनी चीजें ही है। देखो समझ लो, पी एंड एल अप्रोबेशन अकाउंट क्यों बनाते हैं? तो वर्ष के अंत में लाभों को साझेदारों में बांटने के लिए हम लोग पी एंड एल अप्रोबेशन अकाउंट बनाते हैं। इसके लिए क्वेश्चन में दिए हुए शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि को काम में लेते हैं। शुद्ध लाभ को हम लोग सी आर में लिखते हैं बाई पी एंड एल नेट प्रॉफिट, हानि को हम लोग डी आर में लिखते हैं टू पी एंड एल नेट लॉस। तीन चीजें सी आर में आप सॉरी तीन चीजें कैपिटल के सी आर में आती है, यहाँ डी आर में आएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, और एक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कभी नहीं आता है बेटा पी एंड एल, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग यहाँ पर हम लोग सी आर में लिखते हैं। फिर अगर कोई रिजर्व हो तो वो टू रिजर्व के नाम से आ जाएगा। फिर अंतर की राशि को हम लोग बांट देंगे, सी आर ज्यादा हो तो लाभ कहलाएगा, जिसे पार्टनर कैपिटल या पार्टनर करंट के नाम से बांट देंगे, और अगर डी आर ज्यादा हो तो बाई पार्टनर कैपिटल पार्टनर करंट के नाम से हानि में हिस्से के नाम से हम लोग इसको बांट देंगे और टोटल हम लोग लगा देंगे। समझ में आया होगा बेटा? अब एक लॉजिक, दो चार लॉजिक है जो थोड़ा सा ध्यान से समझना। मेरे को क्वेश्चन में शुद्ध लाभ दे रखे थे 1 लाख, ध्यान से सुनना बेटा, मेरे को क्वेश्चन में शुद्ध लाभ दे रखे थे 1 लाख, तो मैंने बाई पी एंड एल लिख दिया 1 लाख। पर क्वेश्चन अगर मुझसे ऐसा कहे ये 1 लाख रुपए के लाभ 10,000 रुपए के वेतन के पश्चात, साझेदारों के वेतन के पश्चात, इसका मतलब मैंने क्या करा है कि इस 1 लाख में 10,000 का पार्टनर का सैलरी ऑलरेडी लगा दिया है, तो अगर वेतन घटाने के बाद के हैं तो फिर और वेतन को आप पी एंड एल अप्रोवेशन में मत लिख देना। ध्यान से सुनना, आराम से समझना। हाँ पार्टनर कैपिटल अकाउंट में तो लिखना पड़ेगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में तो सैलरी सी आर में लिखते हैं, वो तो लिखेंगे ही लिखेंगे। पर अगर क्वेश्चन ही ऐसा बोल दे, 2-3 क्वेश्चनों में आएगा कि व्यवसाय के शुद्ध लाभ 1 लाख रुपए साझेदारों का 20,000 रुपए का वेतन घटाने के बाद है, इसका मतलब हम लोगों ने ऑलरेडी वेतन घटा दिया है तो हमें और वेतन घटाने की जरूरत नहीं है। मतलब पी एंड एल अप्रोवेशन में उस मद को लिखने की जरूरत नहीं है जिसको घटाने के बाद के लाभ हम लोगों को दे रखे हैं। हाँ अगर क्वेश्चन में पूर्व के लाभ दे रखे हो कि हमारे लिए वेतन लगाने से पहले के लाभ है, तो ऑब्वियसली ये जो 1 लाख रुपए है इसमें अपन ने कोई वेतन नहीं लगा रखा है, अब लगाएंगे। तो दो लॉजिक होते हैं, या तो लाभ आपको किसी चीज के घटाने के बाद या किसी चीज के पहले के दिए हुए, किसी चीज के घटाने के बाद के दिए हुए तो इसका मतलब आप लोगों को और उस चीज को पी एंड एल अप्रोवेशन में नहीं लिखना है। लेकिन अगर आपको किसी चीज से पहले के लाभ दे रखे हैं, मतलब 1 लाख रुपए वेतन घटाने से पहले के हैं, तो वेतन लिखना ही लिखना है ना। ये 1 लाख रुपए में अभी अपन ने वेतन नहीं दिया है तो वो हम लोग लिखेंगे ही लिखेंगे। देखो नोट्स की लैंग्वेज में समझो, यदि प्रश्न में किसी मद को चार्ज करने के पश्चात लाभ दिए गए हैं तो उस मद का लेखा लाभ हानि नियोजन खाते में नहीं करते। मतलब अगर अपने को लाभ वेतन घटाने के बाद के दे रखे हैं तो फिर आप लोग लाभ वेतन को पी एंड एल अप्रोवेशन में नहीं लिखोगे, लेकिन पूंजी खाते या चालू खाते में तो जरूर लिखेंगे। स्थिर विधि है तो वेतन फिर करंट अकाउंट में आएगा तो करंट में लिखेंगे, कैपिटल में आएगा तो कैपिटल में लिखेंगे परिवर्तनशील विधि में। लेकिन अगर चार्ज करने से पूर्व के लाभ दे रखे हैं तो आप लोगों को लाभ हानि नियोजन खाते में लिखना ही लिखना है, और कैपिटल और करंट में तो हर केस में लिखना ही लिखना है। अब कुछ चीजें ऐसी हैं बेटा जो हमारे लिए ना पी एंड एल अप्रोवेशन में नहीं आती है, पी एंड एल अकाउंट में आती है। कुछ
चीजें पीएनएल अप्रोवेशन में नहीं आती है। कहाँ आती है बेटा? हमारे लिए पीएनएल अकाउंट। पीएनएल अकाउंट बाद में बनता है या पहले बना होता है? ऑब्वियसली पहले बना होता है। तो सर हमें तो बनाना ही नहीं, ऑब्वियसली हमें नहीं बनाना है। पर अगर कुछ चीजें जैसे मान लो हम लोगों को इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ हो, इंटरेस्ट ऑन लोन, किसी साझेदार ने फर्म को लोन दे रखा है उस पर इंटरेस्ट देना है, या रेंट दे रखा हो बिल्डिंग का जिस बिल्डिंग में हम व्यवसाय को चला रहे हैं, या मैनेजर का कमीशन दे रखा हो, साझेदार का नहीं बेटा, साझेदारों का कमीशन तो पीएनएल अप्रोवेशन नहीं आता है। लेकिन अगर हमें क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट या मैनेजर कमीशन दे रखा हो, इन मदों को लाभों पर प्रभार माना जाता है। इन चीजों को हम हमेशा पीएनएल अकाउंट में दिखाते हैं। एक दो क्वेश्चन में आएंगे कि अगर आपको इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट या मैनेजर कमीशन दे रखा है तो फिर ना आपको पहले पीएनएल अकाउंट बनाना पड़ेगा इन इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट और मैनेजर कमीशन को दिखाने के लिए। कैसे बनेगा देखो, पीएनएल अकाउंट में ऐसे रफली समझा देता हूँ, हालांकि क्वेश्चंस में आएगा वहाँ डिटेल से समझेंगे। हमें क्वेश्चन में जो नेट प्रॉफिट दे रखा होगा ना उसको लिखेंगे। अब अगर अपने को इंटरेस्ट ऑन लोन दे रखा हो तो वो इंटरेस्ट ऑन लोन लिखेंगे, अगर हम लोगों को रेंट दे रखा है बिल्डिंग का तो वो रेंट लिखेंगे, अगर हमें मैनेजर का कमीशन दे रखा है तो वो लिखेंगे, और फिर अब बाकी का नेट प्रॉफिट निकाल लेंगे। और अब ये जो बाकी का नेट प्रॉफिट आएगा ना वो हम लोग पीएनएल अप्रोवेशन में यहाँ बाई पीएनएल के नाम से लिखेंगे, ना कि वो जो क्वेश्चन में दे रखा है, क्योंकि क्वेश्चन में जो शुद्ध लाभ दे रखा है उस पर तो हमें अभी इंटरेस्ट ऑन लोन या रेंट या मैनेजर कमीशन लगाना बाकी है। तो हम पहले इंटरेस्ट ऑन लोन, उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, पहले क्या बनाना पड़ेगा बेटा, पी एंड एल बनाना पड़ेगा। सिर्फ किस किस को दिखाने के लिए? इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट और मैनेजर कमीशन को दिखाने के लिए। और उसके बाद आप कौन सा अकाउंट बनाओगे बेटा? पी एंड एल अप्रोवेशन अकाउंट बनाएंगे। तो ये एक लॉजिक और ध्यान रख लो। निम्न मदे लाभों का प्रभार मानी जाती है, अतः इन मदों को लाभ हानि खाते में लिखा जाता है, जैसे मैनेजर का कमीशन, साझेदारों के ऋण पर ब्याज और भवन का किराया जिसमें फर्म का व्यवसाय चल रहा है, तो इनको पीएनएल अकाउंट में लिखना है, बाद में पीएनएल अप्रोवेशन बनेगा। और यदि बेटा स्थिर पूंजी खाता विधि है, कैपिटल और करेंट अकाउंट वाला, तो पूंजी तो ठीक है, आप नहीं भी यहाँ नोट मत करना, अपने कल लिख लिया था, ये तो आप लोगों के लिए जरूरत नहीं रहेगी, इसको नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ये आप लोगों के लिए सिचुएशन जो कि आप लोगों को ध्यान में रखना है। पीएनएल अकाउंट, पीएनएल अप्रोवेशन अकाउंट, तो पीएनएल अकाउंट अप्रोवेशन अकाउंट साझेदारों को लाभ हानि बांटने के लिए बनाया जाता है। सबसे पहले लाभ को लिखोगे बाई पीएनएल के नाम से, हानि है तो टू पीएनएल के नाम से। तीन चीजें सीआर में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, और एक चीज बीआर में, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इसके अलावा अगर कभी रिजर्व हो तो वो रिजर्व हम लोग लिखेंगे, फिर लाभ हानि को हम बांटेंगे, या तो कैपिटल सीआर ज्यादा है तो डीआर में लिखकर कैपिटल या करेंट अकाउंट के नाम से, शेयर ऑफ प्रॉफिट के नाम से, डीआर ज्यादा है तो सीआर में लिखकर कैपिटल या करेंट अकाउंट लॉस के नाम से। तीन बातें ध्यान रखना, अगर हमें वेतन वगैरह घटाने के बाद का लाभ दे रखा है तो वेतन को और पीएनएल अप्रोप्रिएशन में लिखने की जरूरत नहीं है, और अगर पूर्व का दिया हुआ है तो जो चीजें वो सब अपने को पीएनएल अप्रोवेशन में लिखनी पड़ेगी। अगर हमारे लिए, और ये प्रैक्टिकल आएगा क्वेश्चन में, वहां समझ में आएगा, अभी तो नोट डिटेक्ट करके रख लेना, कल परसों क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे तो वहां डिटेल से आ जाएगा। और अगर अपने को क्वेश्चन में ना बेटा मैनेजर कमीशन, साझेदारों के ऋण पर ब्याज, भवन का किराया हो, तो ये तीन चीजें कभी भी हमें पीएनएल अकाउंट में, पीएनएल अप्रोवेशन अकाउंट में नहीं लिखनी है। ये तीनों पीएनएल अकाउंट में लिखेंगे, पहले पीएनएल अकाउंट बनाएंगे, फिर हम लोग आगे की कॉन्सेप्ट को सोल्व करेंगे। ये आपका पीएनएल अप्रोबेशन अकाउंट। अब आपको मेरे को सिर्फ जनरल एंट्री और सिखानी है, तो वो मैं फिर आपको कल डिटेल से सिखाता हूँ जनरल एंट्री करना। दो चीजें प्लीज अच्छे से याद कर लेना ना, टाइम पास करने के लिए मत पढ़ना, जो पढ़ा रहा हूँ वो सिंसियरिटी से पढ़े। तो आप लोगों को बेटा पहले कैपिटल अकाउंट जो कल बनाए थे उनको अच्छे से याद कर लें, और पीएनएल अप्रोबेशन अच्छे से याद कर लें। कल मैं आपको आगे के कॉन्सेप्ट को जनरल एंट्री को सिखा दूंगा। ये पीडीएफ नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो आप मुझे यहाँ मैसेज कर सकते हैं, ताकि मैं आपको ये पीडीएफ नोट्स सेंड कर दूंगा। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं कराओ बेटा आपने।